नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्सल स्कैम एक नई तरीका का एक स्कैम आ रखा है मार्केट में जो कि पार्सल स्कैम है और ये स्कैम में काफ़ी बड़े बड़े लोग भी फंस चुका है ये अभी रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है ये स्कैम तो ये ट्रेंड ये स्कैम होता कैसा है यूजली हम सब ऑनलाइन सामान खरीदते हैं चाहे कोई भी एप्स का द्वारा हो अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं जब हमारा पास शिपमेंट डिलीवरी होने वाला होगा ओब्वियसली दे विल सेंड एज अ मैसेज दैट यू विल गेट योर शिपमेंट बाई दिस डेट आप आज आपको मिलेगा या कल मिलेगा ऑर्डर नंबर भी आता है बट इस स्कैम में क्या होता है कि आपको सडनली कॉल किया जाएगा कि हम लोग इस इस डिपार्टमेंट से बोल रहा है या कोई भी कोरियर कंपनी का नाम ले लेगा सपोज फ्रेड हो गया डीएचएल हो गया जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ वो बोलेगा कि मैं कंपनी ऑफिशियल बता रहा हूँ ये आपका ट्रैकिंग डिटेल्स है आपने कुछ सामान ऑर्डर किया था ये सामान आपका आ चुका है बट कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है तो इसमें आपका कंट्राबेंट कंट्राबेंट मीन्स इलीगल सामान है नारकोटिक कोई भी सामान बोल देगा जिससे कि इंसान अचानक से डर जाए अब मान लीजिए मैं अपना आराम से घर में बैठा हूँ सडनली एक कॉल आ जाए कि आपने कुछ सामान ऑर्डर किया था तो आपने जो सामान ऑर्डर किया था वो कस्टम ऑफिशियल ने पकड़ लिया है उसमें इलीगल सामान है तो ऑब्वियसली एवरी हर की हर हर इंसान को एक एक वक्त के लिए तो थोड़ा होने से भी डर लगेगा और ये स्कैम में दिल्ली का एक डॉक्टर ने 4.45 करोड़ रुपीस इनका फ्रॉड हुआ है और बेंगलोर में एक पीएचडी स्टूडेंट का लॉस हुआ है वन लैख थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ ए स्कैम के द्वारा तो अब हम लोग क्या करें कि ये सारा स्कैम से बच सकते हैं अगर मान लीजिए सडनली आपके पास कोई भी कॉल ऐसा आता है कि हमने तो कुछ वर्डर ही नहीं किया है तो हमारा पास कॉल कैसा आएगा अब एक वक्त के लिए मान ही लीजिए कि वो कोई भी कंपनी से अगर आपको कॉल कर रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी का ऑफिशियल नंबर से ही कॉल करेगा और नहीं तो जो ट्रैकिंग डिटेल्स होता है वो हम अगर अपना गूगल पे मार दें तो पता चल जाएगा कि ये मेरा नाम का शिपमेंट है कि नहीं है लेकिन ये जो फ्रॉड लोग हैं ये आपको एक बार कॉल करेगा कॉल करने के बाद आपको बोलेगा आप स्काइप पे आइए वीडियो कॉल पे आइए तो वीडियो कॉल पे सारा ऑफिशियल को लाएगा ये बोलेगा एनसीबी से है एन से है कोई भी एक एजेंसी का नाम ले लेगा दे विल प्रजेंट टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक दैट वे दे यूज़ टू डू इट तो आपको थोड़ा सा भी सोचने का टाइम नहीं देगा ये लोग इतना हर में करता है ये सारा चीज़ कि ये अगर आप ऑब्वियसली हर किसी को अपना डिग्निटी बचाने के लिए ये सारा कदम लेता भी है कि कुछ पैसा दे देने से अगर मेरा इज्जत बच बच जाएगा तो मैं क्यों ना पैसा ही दे के अपना इज्जत बचा लूँ बट ये सब हमें नहीं करना है हम सबको थोड़ा सोच समझ के ये सारा चीज़ पे ध्यान देना है देर डिफरेंट काइंड ऑफ़ फ्रॉड्स आर देयर हम हमारा जहाँ सोच ख़त्म होता है उधर से फ्रॉड्स तरह का सोच शुरू होता है और हमारा हर्ड अर्न मनी ये सारा फ्रॉड्स में अगर जाएगा तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नंबर वेबसाइट हर चीज़ गवर्नमेंट ने दे रखा है टीवी पे पर ऐड आता है गूगल पे ऐड आता है रेडियो पे ऐड आता है न्यूज़पेपर पे पर ऐड आता है इतना सब कुछ होने का बावजूद भी इतना पढ़ा लिखा लोग अगर इस काइंड का फ्रॉड में फंस रहा है तो जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है उनका साथ क्या होगा अब ज़रा एक वक्त के लिए आप लोग सोचिए ये कोई मामूली आदमी नहीं है जो जिनका साथ फ्रॉड हुआ है एक डॉक्टर है एक पीएचडी स्टूडेंट है इतना पढ़ा लिखा आदमी के साथ अगर वही फ्रॉड हो सकता है तो आम इंसान के साथ क्या होगा और ये सब से बचने के लिए जो बेस्ट उपाय जो है मेरा अनुसार अगर मान लीजिए वो कॉल करके आपको बोलता है कि हम इस कंपनी से बोल रहा है यू जस्ट रिमेंबर द कंपनी नेम और बोलिए मेरे को शिपमेंट का ट्रैकिंग नंबर दीजिए तो आप गूगल में भी चेक कर सकते हो नहीं तो आप डायरेक्ट कंपनी में भी कॉल कर सकते हो कि मेरा ये नंबर का ये शिपमेंट है कि नहीं है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होकर बात कर रहा है आप क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए उस डिपार्टमेंट का एवरी डिपार्टमेंट हैज़ ऑफिशियल नंबर आप सीधा उस ऑफिशियल डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन करके पूछिए कि ये सो एन सो ऑफिसर है, है भी कि नहीं है ये मेरे को इस तरीके का फ़ोन कर रहा है नहीं तो सबसे बेस्ट उपाय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नंबर दिया है वन नाइन थ्री ज़ीरो वो है साइबर फ्रॉड के लिए ही है उस वेबसाइट का भी नाम है डब्ल्यू 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 डॉट साइबर फ्रॉड डॉट जी ओ वी डॉट इन उस पर भी आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं क्या पता आपका एक कंप्लेन के वजह से ऐसा फ्रॉड पकड़ा जाए और हमारा सोसाइटी में ऐसा कम बंद हो क्योंकि बहुत सारा लोगों का पूरा जिंदगी का इनकम तक ऐसा फ्रॉड में जा चुका है तो अभी अगर हम लोग सतर्क नहीं होंगे तो क्या पता कल को ये मेरा और आपका साथ भी हो सकता है और आगे मैं हाउ मेनी काइंड ऑफ फ्रॉड्स आर देयर मैं ये सब चीज़ों को ऊपर थोड़ा रिसर्च करके सारा फ्रॉड्स का ऊपर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा शुक्रिया